अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुक विद शेरिन काजी। आज हम बना रहे हैं हरा कीमा, तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। देखिए मैंने अभी इधर एक जार ले लिया है, अभी हम इसमें डालेंगे थोड़े से धनिया और पुदीना के पत्ते और तीन हरी मिर्च, मैंने इसको बीच में से काट लिया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पीस लेंगे। देखिए मैंने इसको पीस लिया, अभी हम इसको साइड में रख लेंगे। देखिए मैंने अभी इधर एक कढ़ाई रख लिया है, कढ़ाई में अभी हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे दो बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को अभी हम अच्छे से भून लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें मटन का कीमा डाल देंगे। देखिए मैंने कीमे को डाल दिया, अभी हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो मिनट के लिए कीमे को अच्छे से भून लेंगे। देखिए मैंने कीमे को अच्छे से भून लिया, अभी हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए 10 मिनट के बाद कीमा अच्छे से पक रहा है, इसमें मैंने कुछ भी पानी ऐड नहीं किया है, कीमे का ही पानी है जो निकल रहा है। अभी हम उसके एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी दही। अभी हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें धनिया और पुदीना जो हमने पीस लिया था हरी मिर्ची के साथ, अभी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे कीमे के साथ। देखिए मैंने कीमे को अच्छे से मिक्स कर दिया, अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। अभी हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसको ढककर और 10 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए 10 मिनट के बाद माशाल्लाह हमारा कीमा अच्छे से पक चुका है। अभी हम उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको सर्व कर लेंगे। देखिए मैंने इधर सर्व कर लिया हरे कीमे को। आप इसको पराठे या चपाती के साथ सर्व कर लें। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।